नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपने वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज़ कम कर सकते हैं, वो भी VLC मीडिया प्लेयर के द्वारा। तो मैं ये लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कैसे हम वीडियो की क्वालिटी को कम करे बिना वीडियो के साइज़ को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का साइज़ को कंप्रेस करने के लिए हमें VLC मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस तरह का आइकन दिखाई देता है आपको। इसको अगर आपने पहले इसको इंस्टॉल कर लिया है तो इसको ओपन कर लेना है। बाय द वे, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इसे गूगल सर्च पर VLC मीडिया प्लेयर सर्च करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो मैं सबसे पहले वीडियो दिखा देता हूँ, जो हमारी वीडियो है। ये हमारा फोल्डर है और ये हमारी वीडियो है। देखिए, यहाँ पर 250 MB की साइज़ है इसका। इस वीडियो का 250 MB का साइज़ है। 6 मिनट 24 सेकेंड्स की ये वीडियो है, फुल HD वीडियो है। तो अब हम इसको VLC मीडिया प्लेयर के द्वारा कंप्रेस करेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्रेस करता हूँ। कंप्रेस करने के लिए हमें VLC मीडिया प्लेयर ओपन कर लेना है। ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिखाई देने वाला है ऊपर। यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कन्वर्ट एंड सेव, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। तो हमें फाइल पर ही रहने देना है, हमें फाइल अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए हमें जो वीडियो अपलोड करनी है वो यहाँ से हम इसको प्लस का जो आइकन है इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी वीडियो को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए जहाँ आपने अपनी वीडियो सेव कर रखी है वहाँ से जाकर ऐड कर लीजिएगा। तो हमने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पर हमारा वीडियो के नाम से फोल्डर है और ये हमारी वीडियो है। हमें इसको क्लिक करके और ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमें नीचे कन्वर्ट एंड सेव का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर सोर्स दिखा रहा है, जहाँ से हमने अपनी वीडियो को ऐड किया है। ऐड करने के बाद नीचे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले द आउटपुट लिखा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो कंप्रेस होने के बाद हमें वहाँ पर ये हमारी वीडियो शो हो जाएगी, प्ले हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो अनटिक रहने देना है। इसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर फाइल डेस्टिनेशन लिखा है, हमें जहाँ पर फाइल को सेव करना है कंप्रेस करने के बाद वो हमें सेट कर देना है। तो हमें ब्राउज पर क्लिक करके और डेस्कटॉप पर करके और हम सीधे जो हमारा वीडियो नाम का फोल्डर है इसी में जाके हम यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं और 2 रख देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमें स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। अब इस प्रोसेसिंग को हमें पूरा जितने मिनट की वीडियो है उतने मिनट तक हमें इसको प्रोसेसिंग को होने देना है। उससे पहले हमें कुछ नहीं करना है, ना ही ये जो टाइमलाइन चल रही है इसको आगे पीछे करना है। अगर आगे पीछे करते हैं तो वीडियो अच्छी तरह से कंप्रेस नहीं हो पाएगी और वीडियो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो अभी हमें कंप्रेस होने देना है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इस वीडियो को अभी स्किप कर देता हूँ। इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि वीडियो का साइज़ कितना कम हुआ है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो देखिए, ये कुछ ही देर में प्रोसेसिंग पूरी होने वाली है, कंप्लीट हो जाएगी। बस 3 सेकंड की और बात है, बस उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद देखेंगे हमारी जो वीडियो है उसका साइज़ कितना हुआ है।
तो ये देखिए कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है वीडियो, और यहाँ देखिए जो टाइमलाइन चल रही थी वो यहाँ से फिनिश हो चुकी है। तो अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद अब हम फोल्डर में जाते हैं। फोल्डर में गए और देखिए जो अभी जो हमने वीडियो कंप्रेस की थी उसका मैसेज भी आ गया है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हमारी ये फाइल थी, ये वाली वीडियो थी जो अब पहले वाली थी कंप्रेस करने से पहले की। देखिए इसका 250 MB साइज़ है और जो हमने कंप्रेस की है उसका हमने नाम चेंज कर दिया था। तो ये वो वीडियो है और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका साइज 130 MB हो चुका है और पहले 250 MB इसका साइज़ था। तो देखिए कितनी आसानी से हमने VLC मीडिया प्लेयर के द्वारा अपने वीडियो को कंप्रेस कर लिया है। तो आप भी अपनी वीडियो को इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।